टुडेज टॉपिक इज अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस मेथड। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब ये होता है कि जिसमें दोनों आर जो है हमारे वो सेम हो। सपोज आप ये करिए कि यहाँ पे CH3 है, O है, CH3 है, तो इस टाइप के ईथर को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों तरफ आपको CH3 सेम दिख रहे हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि आपका एक जो आर है वो CH3 हो या कोई दूसरा हो, और दूसरा जो आर है वो आपका C2H5 हो या इससे कोई डिफरेंट हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड से हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही टाइप के ईथर को बनाएंगे। तो इसकी जो मेथड है वो क्या है, इसमें कुछ कंडीशन भी है। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम एलॉक्साइड, हमने क्या कहा कि व्हेन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है RX, R का मीन्स हो गया एल्काइल, X का मीन्स हो गया हैलाइड, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम एलॉक्साइड। तो सोडियम का मतलब सिंबल आप जानते हैं ने होता है, R का मतलब एलॉक, ऑक्सीजन का मतलब क्या O, तो देखिए ये हो गया क्या सोडियम एलॉक्साइड। तो जब हम इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की सोडियम एलॉक्साइड के साथ करते हैं, तो जो X आपको इधर हैलाइड में दिख रहा है और यहाँ जो Na है, ये आपस में रिएक्ट करके बाई प्रोडक्ट में बाहर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपका बाहर क्या हो गया NaX, बना क्या है ROR। लेकिन इसमें कंडीशन है, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड जब भी आप लेंगे वो आपका प्राइमरी होना चाहिए। यदि प्राइमरी नहीं रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। आप सोडियम एलॉक्साइड में R को चाहे प्राइमरी लीजिए, चाहे सेकेंडरी लीजिए, चाहे टर्सरी लीजिए, लेकिन ये लर्न रखना है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही हम लेंगे, तभी जाके हमारा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अब देखिए पहले हम सिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं, तो R के प्लेस पे हमने क्या ले लिया CH3, X के प्लेस पे हमने क्या लिया Br। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको सिमेट्रिकल बनाना है। सिमेट्रिकल बनाना है मतलब यहाँ CH3 लिए हैं, तो यहाँ भी R के प्लेस पे हम क्या लेंगे CH3 लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, और यहाँ पे R के प्लेस पे क्या CH3। तो आपका बाहर क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा क्या NaBr, और बनेगा क्या CH3OCH3। ये देखिए CH3OCH3 बना। अब इसका IUPAC नेमिंग करेंगे, तो OCH3 है इसको मेथॉक्सी बोलेंगे, 1 कार्बन है इसे मीथेन बोलेंगे, मतलब क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। कॉमन नेम में बोलेंगे CH3 टू टाइम है, तो मतलब क्या बोलेंगे डाई मेथाइल ईथर। अब देखिए हमको अनसिमेट्रिकल बनाना है, तो यहाँ पे CH3Br है, अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं C2H5Br। अब ये देखिए प्राइमरी ही है, इसको हम राइट कर सकते हैं CH3CH2Br, प्लस हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हमको अनसिमेट्रिकल बनाना है, तो यहाँ पे हम C2H5 नहीं लेंगे, हम चाहे C3H7 ले, चाहे हम किसी दूसरे टाइप का ले, या हम यहाँ CH3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया CH3 ले लिया। बाहर आपका क्या निकल जाएगा NaBr, बाई प्रोडक्ट में बचेगा क्या, आपका क्या बचा है C2H5O और क्या CH3, CH3O यहाँ से और C2H5 यहाँ से, तो बन गया क्या C2H5OCH3। जब इसका आप कॉमन नेम राइट करेंगे तो क्या बोलेंगे, एथाइल मेथाइल ईथर, या इसको जब IUPAC में राइट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे मेथॉक्सी इथेन। इथेन आप इसको लेंगे जो बड़ा कार्बन होगा। अब जो है आपको टर्सरी यदि बनाना है, मतलब अब देखिए हमने आपको कंडीशन ये बताया था कि जो एल्काइल हैलाइड होगा वो प्राइमरी ही होना चाहिए, यदि वो प्राइमरी नहीं होगा तो उस केस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा इलिमिनेशन। तो देखिए यहाँ पे सोडियम एलॉक्साइड में हम टर्सरी ले रहे हैं, इसको हम प्राइमरी ही रखेंगे, CH3 हमारे पास Br हुआ। अब सोडियम एलॉक्साइड हमको लेना है, तो यहाँ पे Na हमने लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, O पे निगेटिव चार्ज। अब हमको कौन सा कार्बन लेना है, तो हमने कहा कि हम टर्सरी लेंगे, तो यहाँ पे C देखिए, C के साथ कितने CH3 लगा देंगे, ये देखिए टर्सरी ब्यूटाइल सोडियम है ये,
इसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी है। कैसे हो गया, तो देखिए सी के साथ 3CH3 है और इसको हम काउंट करेंगे तो C4H9 हो जाएगा। तो अब इसकी रिएक्शन हम जब कराएंगे तो आदित्य आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यदि हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3Br की ये टर्सरी ब्यूटाइल के साथ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, NaBr आपका बाई प्रोडक्ट होगा, क्या बनेगा CH3O, फिर क्या टर्सरी ब्यूटाइल आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे OCH3 लिख लिए हैं, ये CH3Na के प्लेस पे तो मतलब सब्सटीट्यूट कर दिया, मतलब सब्सटीट्यूशन हुआ तो क्या बन गया CH3O, और यहाँ पे क्या जो टर्सरी ब्यूटाइल था आपने उसको ऐड कर दिया। अब यदि हम यहाँ पे चेंज कर दें, मतलब एक्सचेंज कर दें, हम यहाँ CH3 के प्लेस पे ये टर्सरी ले लेते हैं तो उस केस में हमारा सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, उस केस में क्या हो जाएगा इलिमिनेशन। आपकी NCERT बुक में एक लाइन राइट है कि इलिमिनेशन कंपीट द ओवर सब्सटीट्यूशन। तो आप जब भी लर्न रखेंगे, मतलब जब भी इस रिएक्शन को करेंगे तो आपको ये लर्न रखना है कि RX जो अल्काइल हैलाइड होगा वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। जो प्राइमरी नहीं होगा तो उस केस में सब्सटीट्यूशन ना होके क्या हो जाएगा इलिमिनेशन। तो आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तर साइज में 11.25 या 7.25 में क्वेश्चन गिवन है कि इलस्ट्रेट लिमिटेशन एंड कंडीशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो आपको कंडीशन बताना है और लिमिटेशन, तो लिमिटेशन क्या है इसके लिए कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है वो मतलब जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। देखिए हम एक बार रिएक्शन को फिर से कर रहे हैं, तो आप फिर से देखिए यहाँ पे हमने के लिया सी के साथ हमने ले लिया CH3, यहाँ भी हमने CH3 लगा दिया, यहाँ भी CH3 लगा दिया, और यहाँ पे हमने O लिखा और यहाँ पे Na लिखा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कौन सा बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल है ये। सी के साथ देखिए आपको 3CH3 दिख रहे हैं तो टर्सरी ब्यूटाइल है। इसे हम पढ़ेंगे क्या, सोडियम टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करानी है, कौन सा होना चाहिए एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब है या तो आप तो CH3Br लीजिए या CH3CH2Br लीजिए या C3H7Br लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या आपका जो है CH3Br। आप देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज्यादा होती है तो ये पोलराइज हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, इस पे कौन सा चार्ज आएगा निगेटिव, इस पे कौन सा आएगा पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा Br से। कहने का मीन्स ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो ये देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ रिएक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे लोन पेयर होगा तो लोन पेयर कहाँ पे करेगा, जहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो वो जो है इस CH3 के पास आ जाएगा। तो आपका बनेगा क्या S3CCCH3CH3, यहाँ पे क्या O के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो देखिए इथर बन गया आपका। अब यदि हमने ये कहा कि एल्काइल हैलाइड जो है प्राइमरी ना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है इलिमिनेशन ना कि सब्सटीट्यूशन। तो हम इसको देखिए चेंज करके लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया क्या सी, लिया सी के साथ क्या लिया CH3 और यहाँ पे हमने क्या ले लिया Br ले लिया। अब सोडियम एलॉक्साइड है तो इसके लिए हमने क्या लिया Na पॉजिटिव O निगेटिव और यहाँ पे हमने क्या ले लिया CH3। आप देखिए इस केस में जस्ट हमने अपोजिट कर दिया, यहाँ पे जो हाइलाइट है वो आपका टर्सरी हो गया है ना कि कैसा है प्राइमरी है, तो इस केस में क्या होगा इलिमिनेशन होगा, सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। रीजन क्या है, आपको ये मालूम होगा कि RONA, मतलब ये समझिए इधर आप RONA राइट है तो इसका मतलब होता है कि सोडियम एलॉक्साइड है, तो RO आपने ये पढ़ा था कि ये क्या है ये बेस है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी इसकी pH वैल्यू ज्यादा होती है। कहने का मीन्स ये है कि एक न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ना होके इलिमिनेशन होगा। तो इलिमिनेशन होगा तो देखिए क्या बन जाएगा, आपका बाहर क्या निकल गया, NaBr, क्या निकल गया, NaBr। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड लिया है और उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। मतलब प्राइमरी ना लेके हमने टर्शरी ले लिया है, तो इस केस में आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इस केस में क्या होगा, इलिमिनेशन। रीजन बता रहे हैं, रीजन ये है कि जो आपका मेथॉक्साइड है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ना होके क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन। तो जब इलिमिनेशन होगा तो अल्फा कार्बन से क्या निकलता है, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ बी आर निकलेगा, बीटा से क्या, एच, मतलब यहाँ से बी आर, यहाँ से एच, तो बी आर जो है एनए के साथ रिएक्ट करेगा तो एनए बी आर बन जाएगा। और ये जो आपका यहाँ पे सी एच थ्री है और यहाँ से देखिए ओ और यहाँ से एच, तो ये सी एच थ्री ओ एच बन जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11.24 न्यू बुक में 7.24 होगा। तो उस क्वेश्चन में ये राइट है कि राइट द रीजेंट नेम फॉर प्रिपरेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उसमें ये है, आपको रीजेंट का नेम बताना है, बनना क्या चाहिए, 2-propoxypropane, सेकंड है एथॉक्सी बेंजीन, थर्ड है 2-methoxy-2-methylpropane, 1-methoxyethane। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला राइट करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, 1-propoxypropane, तो देखिए कैसे लिखेंगे, प्रोपॉक्सी है, प्रोपॉक्सी का मतलब है कि 3 कार्बन होंगे, उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, ओ, ओ के साथ कितने कार्बन, 3, तो मतलब क्या हो जाएगा, CH2, CH2, CH3, ये प्रोपॉक्सी हो गया। प्रोपेन लिखना है तो इसमें भी 3 कार्बन, CH2, CH2, क्या, CH3, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, विलियमसन सिंथेसिस से हमको बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक साइड प्रोपेन है, मतलब और एक प्रोपाइल है, इधर प्रोपाइल है, इधर भी प्रोपाइल है, तो इसका मतलब ये है कि आप कौन सा हैलाइड लेंगे, आप कौन सा लेंगे, प्रोपाइल हैलाइड, मतलब 3 कार्बन वाला हैलाइड। तो देखिए क्या ले रहे हैं हम, CH3 हमने लिया, CH2 लिया, CH2 लिया, Br ले लिया, ये प्रोपाइल हैलाइड हो जाएगा, या ब्रोमोप्रोपेन इसको बोलेंगे। अब आपको सोडियम एलॉक्साइड क्या लेना होगा, आपको सोडियम एलॉक्साइड भी कैसा लेना होगा, प्रोपेन वाला। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, Na पॉजिटिव, O निगेटिव, और कितने कार्बन वाला, 3, तो CH2, CH2, क्या, CH3। अब देखिए CH3, CH2, CH2, Br है यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, ब्रोमोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम जो है आपका यहाँ प्रोपॉक्सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये NaBr आपका बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, एथॉक्सी बेंजीन बनाना है, एथॉक्सी बेंजीन, तो पहले आप बेंजीन लिखिए, तो बेंजीन कैसे आप लिखेंगे, ये बेंजीन है आपका, एथॉक्सी है, एथॉक्सी का मतलब क्या हो गया, ओ के साथ कितने कार्बन, 2 कार्बन, मतलब C2H5 है। अच्छा अब आप बताइए कि प्रोपेन आपको कौन सा हैलाइड लेना होगा, कौन सा हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड लेंगे, मतलब क्या लेंगे, ब्रोमोएथेन। तो मतलब क्या ले लिया यहाँ पे, C2H5Br, इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, मतलब यानी हमने लिखा पॉजिटिव, ओ निगेटिव, अब हम क्या लगाएंगे, बेंजीन बनाएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। तो देखिए आपका बन जाएगा, यहाँ से NaBr बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए थर्ड में क्या लिखा है, 2-methoxy-2-methylpropane, तो पहले हम प्रोपेन लिख ले रहे हैं, ये देखिए आपका प्रोपेन हुआ, मतलब 3 कार्बन, 2 पे मेथाइल है, 2 मेथाइल है, तो यहाँ CH3, और 2 पे ही क्या है, मेथॉक्सी है, मतलब वो CH3 है, तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, CH3। अब ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है, देखिए 2 पे मेथाइल है, 2 पे क्या है, मेथॉक्सी है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे बताइए, रीजेंट आपको कौन सा लेना है,
प्राइमरी हैलाइड लेंगे तो देखिए जो मेथॉक्सी आपको दिख रहा है तो ये क्या होगा, जो ओ और सी एस थ्री है वो कौन सा होगा, वो एल्काइल हैलाइड वाला होगा। तो मतलब ये जो सी एस थ्री है कौन सा है, एल्काइल वाला है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सी एस थ्री सी एल या बी आर आप ले लीजिए, सी एस थ्री बी आर ले लीजिए। फिर आप देखिए ये जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं ये सोडियम के साथ अटैच करिए, मतलब सी के साथ कितने सी एस थ्री, थ्री सी एस थ्री। अब यहाँ पे क्या ओ और इसके साथ क्या एन ए, तो देखिए आपका बन जाएगा यानी बी आर बाहर हो जाएगा और ओ पे मतलब इस ओ के साथ क्या हो जाएगा सी एस थ्री, तो आपका क्या बन जाएगा टू मेथॉक्सी मेथाइल प्रोपेन। अब आप ऐसे नेमिंग याद करते हैं तो सी एस थ्री यहाँ हो गया ओ सी और इसके साथ, तो काम नेमिंग करेंगे तो वन टू थ्री हो गया, टू मेथाइल टू मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। लास्ट और देखिए एक और क्वेश्चन की बहन है, वन मेथॉक्सी इथेन, तो शिवांगी ये तुम बताओगे क्या होगा, वन मेथॉक्सी इथेन बनाना है तो पहले फार्मूला लिख ले रहे हैं, इथेन है मतलब क्या है सी एच टू सी एस थ्री ओ और इसके साथ क्या सी एस थ्री, ये है आपका क्या वन मेथॉक्सी इथेन। तो अब बताइए कि इसमें कौन सा हैलाइड लेंगे, बताओ शिवांगी, सी एस थ्री बी आर प्लस एन ए ओ सी एच टू सी एस थ्री मतलब सी टू एच फाइव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, ये एन ए बी आर बाहर हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा वन मेथॉक्सी इथेन। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला वाला बता दे रहे हैं, यहाँ देखिए हमको बनाना क्या था, वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, इधर भी प्रोपेन हो जाएगा मतलब प्रोपाइल इधर भी हो जाएगा, हमको बताना है कि रीजेंट कौन सा सफिशियंट होगा। तो अभी हमने ये पढ़ा था विलियमसन सिंथेसिस में कि एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमने क्या ले लिया, सोडियम प्रोपॉक्साइड है ये। अब इसकी रिएक्शन हम ऐसे कार्बन से ऐसे हैलाइड से करेंगे जिसमें कितने कार्बन हो, थ्री, क्योंकि वहां हमें क्या चाहिए थ्री कार्बन वाला चाहिए। तो यहाँ पे हम ब्रोमो प्रोपेन ले लिए हैं, यानी बी आर आपका बाहर हो गया है और आपका क्या बन गया है वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ देखिए सेकंड में कि एथॉक्सी बेंजीन बनाना है, तो पहले बेंजीन आप लिख लीजिए, ओ लगाइए सी टू एच फाइव लगाइए, एथॉक्सी हो गया, ये जो आपका जुड़ रहा है सी टू एच फाइव। तो आपने अभी कंडीशन पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड मस्ट बी क्या प्राइमरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी एच टू सी टू एच फाइव बी आर और प्लस क्या हो जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड, तो यानी बी आर बाहर हो जाएगा, बन जाएगा आपका क्या एथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनाल से आपको एनिसॉल बनाना है, तो इसके लिए आपसे पहले फार्मूला बनना चाहिए। एनिसॉल हम किसको बोलते हैं, कॉमन नेम है, मतलब मेथॉक्सी बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं एनिसॉल। तो फिनाल की रिएक्शन हम किस रीजन के साथ कराएं, कि कोई इंटरमीडिएट बने फिर किसकी उसके साथ किसी रीजन की कराएं तो जाके क्या बने आपका एनिसॉल। तो ध्यान से देखिए फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल मतलब C6H5OH, यदि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, या तो किसी बेस के साथ कराते हैं NaOH के साथ या सोडियम मेटल के साथ, तो NaOH के साथ हम करा रहे हैं तो आपका वाटर बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि फिनॉल का बिहेवियर जो है एसिडिक होता है और ये बेस है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ क्या बन जाएगा ONA मतलब सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा वाटर। अब सोडियम फिनॉक्साइड है तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं कि आपका क्या बन जाए एनिसॉल या मेथॉक्सी बेंजीन, तो किसके साथ कराना पड़ेगा, यदि विलियमसन सिंथेसिस आप देखेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं हैलाइड के साथ। हैलाइड यहाँ देखिए कौन सा है, मतलब आपको सी एस थ्री चाहिए तो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे सी एस थ्री बी आर, मतलब आप क्या ले रहे हैं ब्रोमोमेथेन, तो यहाँ से एन ए बी आर बाहर हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन या एनिसॉल। फिर से देख लीजिए फिनाल की रिएक्शन हमको किसी रिएजेंट के साथ कराना है और बनाना क्या है एनिसॉल, तो फिनाल की रिएक्शन हम या तो सोडियम मेटल के साथ कराएंगे या NaOH बेस के साथ, तो क्या बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड हमें मिल गया। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, तो विलियमसन सिंथेसिस में अभी हमने पढ़ा था कि इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है ब्रोमोमेथेन, इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो आपका बाहर क्या निकल जाएगा
यहाँ से एन ए, यहाँ से बी आर, एन ए बी आर बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, बेंजीन और आपका ओ सी एस थ्री, मतलब क्या, मेथॉक्सी बेंजीन या एनी सॉल्ट।